धनराज साहब अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, क्राइम शाला में आज हम सीखेंगे क्राइम्स ऑफ पैशन। क्राइम्स ऑफ पैशन शायद सबसे पुराने और चोरी के बाद सबसे कॉमन होने वाले क्राइम में से एक है। आमतौर पर इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्वॉल्व होता है। इतिहास में जब पहले मर्द ने अपनी पड़ोसन के ऊपर नज़र डाली होगी, तब से लेकर आज तक ये क्राइम का सिलसिला जारी है और आज तक रुकने का नाम नहीं ले पा रहा। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण देखेंगे हम। तो चलिए बैठ जाइए अपने प्रेमिका और प्रेमी के साथ, चिपक के हाथों में हाथ डाल के, आंखों में आंखें डाल के, होठों से होठ मिला के बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए। प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश। पति की लाश मिलने पर रोते हुए थाने पहुंची महिला। देखिए मैडम, ना तो आप एक अच्छी अभिनेत्री हैं अमीषा पटेल की तरह, और ना ही किसी के पास हत्या का कोई मोटिव है, तो शक की सुई सीधा आप पर ही जाएगी। 302 आजीवन कारावास। एक प्लान मर्डर का सिंपल होना आवश्यक है। जितना आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे, आप उतने ही फंसते चले जाओगे। सिंपल, जैसे कि एक एक्सीडेंट। कानपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश। कार से रौंदकर मरवाया, 400,000 में हायर किए हत्यारे। आप इस फील्ड में नए हैं, आपको नहीं पता किस पे भरोसा किया जाना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, कौन इस काम में प्रोफेशनल है, कौन इस काम में प्रोफेशनल नहीं है। अपनी ज़िंदगी का अहम काम आप किसी दूसरे पर नहीं छोड़ सकते। अपने काम के अंदर थोड़ा क्रिएटिविटी लाएं, क्योंकि हाथ से सिर्फ रोड पर नहीं हुआ करते। 304A लापरवाही से मौत एक बेलेबल ऑफेंस है। पति द्वारा पत्नी से चाय मांगने पर पत्नी ने किया मना, गुस्सेल पति ने अपने आप को तमंचे से मारी गोली। कितना अच्छा हो कि आपके स्पाउस अपने आप ही इक्वेशन से बाहर हो जाए। अबेडमेंट टू सुसाइड में अगर आप फंसते हैं तो आपका बेड लक ही खराब है। यह बहुत ही धैर्य और लंबा काम है। अगर आपको किसी को दिन प्रतिदिन तोड़ना है बजाय एक रात की साजिश के, यह बहुत ही मुश्किल काम है। हर सिंपल काम आसान हो यह जरूरी तो नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलता हूँ मैं, आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही अपने काम के अंदर क्रिएटिविटी लाएं और